हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज चैप्टर 13 में हम आप लोगों को सेल ऑर्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि सेल ऑर्डर कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं और इसको किस तरह इजीली यूज किया जा सकता है, इसको किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है सेल में। सेल ऑर्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है पीएमएस का, जिसको बनाने का तरीका, इसको इंपोर्ट करने का तरीका सब कुछ यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप प्रिपेयर कर लें कि आपने पीएमएस खोल के रखा है। उसके बाद जब पीएमएस खुल जाएगा, उसका आपका मेन स्क्रीन आएगा। मेन स्क्रीन आने के बाद सबसे पहले आपको सेल ऑर्डर बनाने के लिए सेल मेन्यू में जाना है और आप देखेंगे सेल मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें एक सेल ऑर्डर करके मेन्यू है, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सेल ऑर्डर फॉर्म का विंडो खुल जाएगा और जो कि एंट्री के लिए है, उसमें एंट्री करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ऑर्डर नंबर है, मैनुअल ऑर्डर नंबर, कुछ मैनुअल ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं। उसका ऑर्डर का वैलिड डेट क्या है, वो सब जो आपके सामने दिख रहा है। पार्टी सिलेक्ट करना है, सेल्स पर्सन सिलेक्ट करना है, एलआर नंबर क्या है, इत्यादि इत्यादि इसमें आपको इंफॉर्मेशन भरने होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे सेल फॉर्म सेल ऑर्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। आगे किस पार्टी के लिए हमको सेल ऑर्डर बनाना है, उसके लिए है। जैसे कि हमको ए टू जेड मेडिकोज के लिए बनाना है, हम ए टू जेड मेडिकोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन ऑन जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे उसका जो वैल्यू अमाउंट कैलकुलेट होगा वो किस हिसाब से प्रोडक्ट के किस हिसाब से किस रेट टाइप पर इसका कैलकुलेशन होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सेल रेट डिफॉल्ट रहता है, सेल रेट भरा हुआ है। कुछ एलआर नंबर अगर है तो एलआर नंबर भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। एलआर डेट क्या है, जैसे आज का हम भर देते हैं। उसके बाद थ्रो ट्रांसपोर्ट है या फिर एनी मीन्स, जैसे किसी के थ्रू किसके थ्रू ये आप ऑर्डर बना रहे हैं उसके लिए है, जैसे हम कर देते हैं। नेक्स्ट है हेडर। इसका हेडर क्या रहेगा, कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए ऑर्डर के लिए। ऐसे ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो काम चलेगा। यहाँ पर स्केप प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने फोकस हो जाएगा प्रोडक्ट पर कि किस किस प्रोडक्ट का आप ऑर्डर करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। जैसे हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं एक्नेडेप जेल 15 GM का। क्वांटिटी मुझे देना है, कितना ऑर्डर क्वांटिटी है वो दे देते हैं। सपोज कि हम 10 डाल देते हैं। उसके बाद रेट आ गया, इसका रेट ऑलरेडी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का टैक्स क्या है वो आ रहा है, उसका अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ रहा है। इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं हम लोग। सपोज कि इसको 12 अंक को ऑर्डर करने हैं, सब कुछ सिलेक्टेड आ रहा है, ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि हमने एक ऑर्डर बनाया, ऑर्डर में मैंने पार्टी सिलेक्ट किया जिस पार्टी का मुझे ऑर्डर बनाना था। उसके बाद प्रॉपर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जिस प्रोडक्ट के लिए मुझे ऑर्डर क्रिएट करने हैं। तो आप देखेंगे कि आपका पूरा एक एज ए इनवॉइस बना हुआ है ऑर्डर, जिसमें टोटल्स दिखा रहा है, अदर एडजस्टमेंट है कुछ डाल सकते हैं, परचेस टैक्स कितना बना, ये का डिस्काउंट प्रोडक्ट टैक्स कितना है, प्रोडक्ट का डिस्काउंट टोटल कितना है, ग्रैंड टोटल कितना बना और अंडर ड्राफ्ट कितना है। तो इस तरह से आप इसमें प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि और इस ऑर्डर में कितना प्रोडक्ट रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग एक्सेप्ट पर। एक्सेप्ट करते हैं, मुझे प्रोडक्ट का एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद यस करेंगे, मेरा 3 नंबर प्रोडक्ट बन गया। अब इस ऑर्डर को क्या करेंगे, इस ऑर्डर का को अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ जब प्रोसेस हो जाता है, जैसे प्रोसेस हो गया कि जब सेल कर जब आइटम उसको सरेंडर दे दिए, उसके बाद हम लोग सेल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर आइटम देते वक्त हम लोग सेल में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का 2-3 तरीका। सबसे पहले तरीका तो यह है कि आप सेल में सेल खोलिए, और ये सेल ही नहीं, सेल में भी, ट्रांसफर आउट में भी और पैक में भी ये ऑर्डर को इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग।
जैसे ये पार्टी का हम ऑर्डर बनाए थे, ए टू जेड मेडिकोज का बनाए थे, यहाँ आपको जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करेंगे तो आप अभी देख पाएंगे कि हमने अभी आपके सामने छोटा सा डायलॉग खुल गया जिसमें प्रोडक्ट का नेम आ गया। आपने देखिए क्वांटिटी कितना था, 12 10 था, फ्री हमने कुछ नहीं दिया था, ऑर्डर नंबर 3 था, डेट किस डेट का था, टैक्स क्या था। तो इस तरह से आपको लिस्ट आ जाते हैं, जितना भी ऑर्डर उस पार्टी के नाम से रहेगा सारे लिस्ट यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन अंदर आप देख पाएंगे। जैसे ही स्क्रॉल और राइट करेंगे देख पाएंगे। उसके बाद और भी ऑप्शन है, फीफो बैच है, सिंगल बैच है। ये जो होता है कि स्टॉक में से हमको बैचेस को किस तरह से लेना है उसका ये इंफॉर्मेशन है। और आप देखेंगे नीचे वाले में, आप एक्सक्लूड नियर एक्सपायरी, टैक्स इंक्लूसिव रेट, शो ऑल ऑर्डर्स इन फ्यूचर, डोंट शो रिलीज प्रोडक्ट, तो ये सब कुछ ऑप्शनल है, ऑप्शन है। डोंट शो रिलीज प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीज प्रोडक्ट हो गया उसको दोबारा नहीं दिखाएगा। अगर ये अनचेक कर देंगे तो ये बार बार आपको रिपीट करके दिखाएगा। तो ये फैसिलिटी है कि आप और जो ऑर्डर रिलीज हो गया या कन्वर्ट हो गया सेल में, ट्रांसफर आउट में या पैक में, उसको आप चाहें तो दोबारा आप देख सकते हैं। शो ऑल ऑर्डर इन फ्यूचर, सारा ऑर्डर इनको देखना है उसके लिए है। टैक्स इंक्लूसिव रेट, इसमें जो रेट जो बनेगा टैक्स इंक्लूसिव के हिसाब से बनेगा वो है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। नियर एक्सपायरी, किस बैच को उठाना है आपको, नियर एक्सपायरी 90 डेज वाला उठाना है कि क्या उठाना है। अगर 90 डेज वाला चाहिए तो 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज वगैरह आप डाल सकते हैं। आप नीचे देखेंगे यूज ऑर्डर रेट, अगर अभी क्या करता है, जैसे ही ऑर्डर इंपोर्ट होता है तो ये स्टॉक वाला रेट उठाता है, जो स्टॉक में रेट पड़ा हुआ है उस बैच का वो उठाता है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे ऑर्डर वाला जो ऑर्डर में हमने रेट चेंजेस करके डाले होंगे वो रेट उठाए, तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ऑर्डर वाला रेट उठाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट ये स्टॉक का रेट उठाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जिसको जिसको इंपोर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं चेकबॉक्स आपके सामने हम कर रहे हैं। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे कि वो वाला ऑर्डर यहाँ पर आ गया। और इसके बाद कुछ प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं उसमें। और इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए या फिर प्रिंट कर दीजिए या फिर क्विक प्रिंट कर दीजिए, देखेंगे कि ये आपका ऑर्डर बन गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जाइए, फिर उसी पार्टी को सेलेक्ट करिए, नए इनवॉइस में और F9 मारिए, तो आपके सामने कोई उसका लिस्ट नहीं आया। आप देख पाएंगे कि कोई भी लिस्ट उसका नहीं बचा क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से इनवॉइस के थ्रू F9 प्रेस करके हम लोग ऑर्डर को इंपोर्ट कर सकते हैं आइटम वाइज। और भी दूसरा तरीका है कि सीधे ऑर्डर को आप पूरा का पूरा एक इनवॉइस बना करके इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। अभी मैंने डिलीट कर दिया था उसको। अब दूसरा तरीका यह है कि सेल में जाएं, मेनू में जाएं, उसके बाद इनवॉइस में जाएं। हाँ, तो ये सेल ऑर्डर इंपोर्ट हो गया। इसी तरह आप ट्रांसफर आउट में भी उसको आप इन कर सकते हो। जैसे ट्रांसफर आउट बना रहे हैं और उस ऑर्डर को मुझे इस ट्रांसफर आउट में लेना है, तो सेम वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि सेल में किया जा रहा है। जैसे हमने इस पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर F9 प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा लिस्ट आ गया। और उसको अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको लेना है ले लेंगे। सपोज कि अभी मुझे एक ही लेना है, एक ले लिया और एक्सेप्ट कर दिया। और अगर अगली बार अगर हम लोग फिर नया इनवॉइस बनाएंगे और उसका लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक आइटम बचा होगा प्रोडक्ट, एक तो हमने ले लिया और इंपोर्ट कर लिया, एक और आइटम बचा हुआ है जो कि आपको यहाँ पर बचा हुआ है और इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऑर्डर बनेगा, सेल ऑर्डर बनेगा और उसको सेल में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।